नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खामला में खुलेआम बिक रही है शराब, हत्या के मामले में चार गिरफ्तार, युवती ने लगाई फांसी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। खामला में खुलेआम बिक रही है शराब। खामला में लॉकडाउन के दौरान खुलेआम जगह जगह शराब की बिक्री हो रही है। कार्रवाई के अभाव में लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कालाबाजारी सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बिक्री करते हुए सरेआम देखे जा रहे हैं। न तो पुलिस वाले की और न ही उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की नजर इस ओर जा रही है। आवासीय परिसर में बिक्री होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। अगर कोई बोलता है तो ये लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। पुलिस को बुलाने पर समझौते से काम निपटा दिया जा रहा है। पुलिस के जाते ही पुनः जगह जगह मजमा लग रहा है। ऐसे लोग शराब के साथ साथ सिगरेट, गुटखा, खर्रा, पानी, गिलास सभी चीज बेचते हुए देखे जा सकते हैं। क्षेत्र के वाइन शॉप, बियर बार वाले अगर अपनी दुकान के सामने पार्सल देते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है। वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी मस्त होकर शराब बेच रहे है। ऐसे लोगों पर किसी भी विभाग की नजर नहीं जा रही है। तो वही दूसरे ओर हत्या के मामले में चार गिरफ्तार। जरीपटका थाना अंतर्गत रविवार को पाटनकर चौक पर हुई गजगज दीश मदनी की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय ने सभी को 14 मई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पकड़े गए आरोपियों में पारशिवनी निवासी कुणाल उर्फ गोलू धनराज बावने, विक्की मुरलीधर बावने, बालाभाऊ पेट निवासी बलराज धनराज कटारे और महल निवासी राजू मारोतराव कटारे का समावेश है। जगदीश पाटनकर चौक पर मांस की दुकान लगाते थे। कुणाल के पिता धनराज ने खुली जगह पर अपनी दुकान लगा दी। इसी बात को लेकर जगदीश और धनराज की बहस हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही कुणाल ने अपने साथियों को साथ लेकर जगदीश पर चाकू से हमला कर दिया। तो वही तीसरी और युवती ने लगाई फांसी। न्यू कामटी थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कुंभारी कॉलोनी निवासी प्रणाली नरेश कड़बे बताई गई है। प्रणाली ने सोमवार को अपने घर में सीलिंग फैन से ओढ़नी बांधकर फांसी लगा ली। दोपहर 2:30 के दौरान परिजनों ने उसे फंदे पर लटके देखा और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। कामटी पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।